क्या हाल हुआ देख लो भाई, को अलग। ये अंकल जी बहुत रोकते हैं, ये अंकल बात कर रहे हैं ना हमसे, ये अंकल बात कर रहे हैं ना, मैं कौन सा। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दो, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए। जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं भाई, अपने फैमिली मेंबर तो कहाँ कहाँ से देखते हैं, ये कमेंट कर देना। बहुत सारे कमेंट चाहिए मुझे, बहुत सारे तो करना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए ब्लॉगिंग में। तो कैसे आप सब, होकर तो सब बढ़िया होंगे। तो आज का थंबनेल टाइटल आपने देख लिया है, तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करता हूँ, क्योंकि 5:30 बजे वहाँ सर्विस सेंटर बंद हो जाता है। कोई पता भी नहीं मुझे कल लॉकडाउन लग जाएगा सैटरडे संडे का, संडे राइड्स भी बंद हो गई है। तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट कर देना बहुत सारे, सब्सक्राइब भी कर देना अपने भाई को, चैनल को। तो बस चलता हूँ अभी, मैंने कैमरा साफ करना है लेंस वगैरह के बाद। तो बाकी 2-3 दिन से बिजी था मैं, इसलिए व्लॉग भी नहीं कर पाया। बाकी अभी चलते हैं फटाफट मडगार्ड लगवाते हैं, और क्या प्राइस कितना पड़ा मुझे तो आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलता हूँ, सीधा मिलता हूँ मोटो व्लॉग में। तो गाइस फाइनली इसकी फोन की बैटरी हो गई थी ड्राई, तो मैं सोचा लगा दिया जाए। और बाय द वे ना, एक चीज दिखाऊं, ये देखो पानी हो गया ही इसमें, तो ये देखो पानी हो गया इसमें भी। इसकी भी कंप्लेंट की मैं वो बोल के आता हूँ अभी, अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पीछे से निकालना। स्कूटी भी खड़ी है इधर, आप ओले ठोक दी। हाँ जी वीरो, बात सुनो मेरी बात, वीडियो को कर दो लाइक। ये देखो क्या रहा था डॉगी। पिछली बार मैं गया था जब मैं इनका इंश्योरेंस का क्लेम करने, तो उन्होंने, मैंने कहा था अंकल बाइक को दिलवा दो, कह रहे अगर तू जब लगवाने आएगा ना मडगार्ड तब लगवा देंगे। बाकी उन्होंने मेरे से कितने पैसे मांगे हैं, कितना जो भी है, सब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये वाली हार्ले चलाई थी उस दिन मैंने, बाइक की शॉप यही है, और किसी को विजिट करना है तो आ सकता है, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लो चैनल पर अपने। चलो ये चलो भाई, सुनो सुनो सुनो, आज आज मजे ले लो, कल से लग जाएगा 2 दिन का लॉकडाउन। अभी आगे भी नहीं पता क्या होगा, और ठीक है जितना है उतने खुश रहते, पहले बात की चिंता बाद में लेंगे, सारी चीज़ों की नहीं, फिर हम लॉकडाउन बाइक चलाने की। और बाकी मेरे मोटर व्लॉग तो आते रहेंगे, तो अभी अगर लॉकडाउन लगेगा तो थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूँगा, फालतू बाहर नहीं निकलूँगा, जो मेरे को काम होता है उसके लिए जाता हूँ मैं, फालतू नहीं जाता मैं। पहले लॉकडाउन में मैंने बनाया था बहुत कुछ, पहले अपनी इतनी फैमिली नहीं थी, अब फैमिली बन चुकी है। तूफान मेल आ गए, लै भी पर चलो वीरे, आवाज़ बड़ी प्यारी आती है जब एकदम भीड़ होती है ना, ऐसे लगता है इनलाइन फोर जा रही है। ऐसे मैंने नहीं बोला, देव भाई ने, भैया ने बोला था, कह रहे ऐसे जा रहे थे तो फोर लाइन होती है ना, तो 4 सिलेंडर वाली बाइक होती है वैसे। हाँ भाई थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है कि ऐसा होता है, ठीक है होता तो अच्छी बात है, 4 सिलेंडर वाली भी लेंगे एक दिन, क्यों नहीं लेंगे। ये आ गई इतनी प्यार से, इतनी 1.5-2 साल से थी मेरी ये ख्वाहिश की बाइक हो मेरे पास ये वाली, ये भी आ गई, वो ज़्यादा टाइम ले लेगी, थोड़ा ये मास्क का चलान हम नहीं कटवा सकते। चालू कंडीशन है भाई, मेरे को लगा बंद हो जाता। पहुंच चुके हैं अपनी बेबी का मत्था सही करवाने, मत्था तो ये हेडलाइट होगी ना, मडगार्ड को क्या बोलेंगे इसके, नाखून, हाँ नाखून ही बोलेंगे ना शायद, नाखून कितना बड़ा नाखून। हाँ वो मडगार्ड आ चुका है भाई, को डांट रहे हैं, कैमरे में मिलता हूँ फिर। गाइस फाइनली ना यहाँ पे क्या सीन है, कह रहे हैं वेट करो थोड़ी देर बैठो, और मडगार्ड आपका आ चुका है, इतने का सारा जो भी होगा मैं आपको सब बताऊंगा। बाय द वे 160 भी अच्छी लग रही है ना, पर इसका मेरे को रेड कलर ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, पर्सनल बता रहा हूँ मेरे को पसंद नहीं आया। और बेचारे जी रेड है वो, ऐसे मत बोलना भाई तुम गंदा बोल रहे हो, मुझे अच्छा लगा था सिर्फ जो वाला मेरे पास है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर वो भी कलर अवेलेबल ना होता तो फिर मैं शायद ना ही लेता है ना, उसके बाद में फिर R15 पे जाता या कहीं और जाता, या रुक जाता थोड़ा टाइम, कोई और आ जाती तो नहीं, तो यामाहा तो R15 तो बेस्ट ही थी। बाकी अच्छी किस्मत थी हमारी मिल चुकी है, और ये वाली बाइक भी अच्छी लग रही है। और बाकी मडगार्ड का सीन है आ चुका है, मैंने पूछ लिया है, और अभी कह रहे टाइम लगेगा, और अंकल को बोला था मैंने कि अंकल जी बाइक वॉश करवा देना, कह रहे आप पानी मरवा दूँगा अगली बार आओगे, मैंने आपके रास्ते में बताया, तो बंदे अब मुकर गए चुके हैं, कह रहे हैं कि यार पैसे लगेंगे उसके भी, तो ठीक है मैंने कहा मैं क्यों दिलवाऊँ फिर, अपने वहाँ से जाके धुलवाऊंगा या खुद ही धो लूँगा मैं फ्री में, 10 पॉलिश के लेगा क्या, अपन जितने पैसे हो सके बचाओ,
जरूरी थोड़ा पैसे उड़ाने के लिए है, बचाओ सेविंग करो। और अभी देखते हैं अंदर आके क्या सीन है होगा, वो बताते जाएंगे आपको। पूरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत जरूरी है कमेंट करना वीडियो पे। भूल मत जाना अगर थोड़ी वीडियो लेट आएंगी, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है, चारा नहीं होगा वीडियो बनाने का, स्कूटी की तुम वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है, पूरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर देना। देखो जी ये क्या लग चुकी है, और ये देखो पूरी गंदी इन अंकल ने बोला था मुझे मेरी बाइक धुलवा दी, इसी हाथ से मैंने अपनी बाइक धोई, सारा चक्का वक्का खुलेगा मुझे लगा था ऊपर से हो जाएगा। तो ठीक है अब क्या ही कर सकते, छोटा बहुत हो गया तो यहाँ से निकलेंगे बस। भाई बहुत हार्ड मटेरियल से बनवाते हैं, मैंने अभी पूरा आदमी पकड़ा हुआ तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मटेरियल बहुत सही होता है, इसलिए तो मैंने यहाँ से बनाई तो मैं बाहर से भी धुलवा सकता है, बिल्कुल पूरी तो सस्ता मिल जाता मेरे को। मैंने नई नई बाइक है बेचारी, पकड़ना पड़ेगा अंकल जी, पकड़ लोगे सही रहेगा, पकड़ लेंगे अपनी बाइक को, गिरते थोड़ा देंगे ये लो। तो ये सीन है अपनी बाइक का, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा अपनी चीज़ों का, मतलब कोई और ध्यान ही रखने आएगा। वो टायर निकल गया देखना, इसको बाहर लेके वॉश करवा दूँ क्या? पर यार यहाँ सब वॉश नहीं करवा रहे, कह रहे पैसे लगे। ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, सही बात है ना, सही बात है। तो बात नहीं पता क्या मतलब, ठीक है ये देखो अलग हो गया टायर, अभी वो कर रहे हैं ये। मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ मैंने पुश किया हुआ नीचे से, क्या कि गिर ना जाए अपनी बाइक आगे और बेचारे शॉकर से भारी पड़ेगा। ठीक है बस करवाते हैं फटाफट और देखते फिर क्या करना है, क्योंकि थंबनेल लेने की बहुत ट्राई की, अंकल को बोला रुक जाओ अंकल जी पहले थंबनेल ले दो, क्योंकि थंबनेल से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है आजकल। थंबनेल मैंने अच्छा सा ले लिया, बाकी आप वीडियो देख ही लोगे, लाइक कर देना अच्छे से, कमेंट कर देना यार, ऐसे मत किया करो। तो ये देखो ये हमारा कार वाला लग रहा है, इससे बाइक स्टेबल हो जाएगी धीरे धीरे, इस साइड का प्रेशर हो जाएगा ना, तो ये तो अच्छी चीज़ है। छोड़ दो अंकल, अंकल ने मेरे वीडियो बनाने का जुगाड़ कर दिया ना अंकल जी, अंकल कह रहे मैं भी आना चाहिए, ये लो अंकल जी मैं भी मास्क लगा दूँ। नहीं आप लगा लो, थोड़ा बहुत काम में हो जाते हैं इधर उधर, हम भी काम करते हैं। तो ये देखो हैंडल मोड़ दो अंकल एक बार, दिक्कत तो नहीं उतार दिया हमने अच्छे से। यूट्यूब पे डालोगे? हाँ जी देखते हो यूट्यूब ना? हाँ देखना आपकी वीडियो आएगी, कल ही आ जाएगी, बहुत दिन से इंतजार था, बहुत दिन से फ़ोन भी आया था, कल भी आया था फ़ोन, माँ जाए मेरे को टाइम आज मिला है, फिर कल से दो दिन छुट्टी है, अगर आगे क्या पता लॉकडाउन लग जाए, आपको क्या लगता है? खाली गरीब आदमी के लिए समस्या है। हाँ वही तो बात है, अंकल कह रहे गरीब आदमी के लिए समस्या है, वो तो तब भी मरेंगे बंदे। ये अंकल जी बहुत रोकते हैं, ये अंकल बात कर रहे हैं ना हमसे, ये अंकल बात कर रहे हैं ना, मैं कौन सा मल्ले इसकी वीडियो बना रहा हूँ, अंकल की वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो हमेशा बंदर रोकेंगे। इसकी बारी आ चुकी है, मुझे रोके गए हैं, तो मैं कौन सा इनकी वीडियो बना लिया कैसे ना कैसे करके, अंकल जी ने कह रहे हैं बना दो, क्या दिक्कत है ना अंकल जी? कोई दिक्कत अंकल, इसके डिस्क पैड देखना चल जाएंगे ना, अभी सब बता दूंगा। अच्छा मेरे को करने से जो ओके, ये देख लो ऐसी हालत है, टायर डिस्पैड गार्ड पुराना हो पड़ा, डिस्पैड भी ओके ओके है क्या? हम चलाते हैं प्यार से, ये बहुत भारी कैसे हो रहा है, देखो मेरा टूटा हुआ मरगा, ये भी भारी लगेगा। तो ये पक्की है ना, जब ये दोबारा लगेगी इसलिए ये ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे, बाकी ठीक है। कितना गंदा हुआ पड़ा ना अंदर में भाई, दो तीन दिन में बहुत ज़्यादा बारिश है, उसको लेके जाऊँ मैं। तो ये देखो इसका हाल ठीक है, ओके रिपोर्ट है, मतलब अंकल के साथ बैठ बैठ के ब्लॉग बनाए जा रहा हूँ, लाइक कर देना वीडियो को यार, और थंबनेल लेने के लिए अंकल को रोक लिया मैंने, अंकल दो मिनट रुक जाओ थंबनेल ले दो। अच्छा था भाई, जब आरस मुझे घूर रही है, लुक एट दी आरस, ऐसा लगता है जैसे घूर रही है, खा जाइए दो तीन सेकंड में, ऐसा लगता ना, ऐसा लगता है झपट्टा मारने वाली है। ठीक है हो जाए खड़ा, मैं बस इसके मन गार्ड लगने का वेट कर रहा था, अब इसको बाइक को कुछ अलग बना दूँगा, सही बताऊँ तो जैसे आप देख रहे हो ना वैसे ही पता ही नहीं लगने वाली है, थोड़े टाइम बाद अगर लॉकडाउन ना लगा तो बहुत ही प्यारी बात होगी, रेडी हो जाएगा। देखो ये इतना चिपक क्यों गया अंकल साथ में, ये देखो इतनी उम्र का डिफरेंस हो रहा है, टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा तो ये BS6 का लेफ्ट चुका अपना नया, ठीक है थैंक यू अंकल जी। और इसकी ब्रेक हो गई, ब्रेक का कोई इशू नहीं होगा ना? सब हो गई, ठीक है डन है, निकलते हैं यहाँ से। चीज दिखाता हूँ, ये देखो फोन से ना दिखा नहीं पाया आपको, ये देख रहे
सब पूरी अंदर से, ओ भाई जिसके भी हुआ हो ना बस उसे कुछ ना हो, बाकी तो बाइक की तो रैली दोबारा बन जाएगी। तो भाई क्या हाल हुआ पड़ा देख लो, अंकल चलाने जा रहे हैं। ठीक है मैं आप लो सर, ये क्या हुआ, लेके तो बहुत ज्यादा गेट पास मैंने भी है, चल रही है ना। हाँ ओह अंकल घर तक ही छोड़ा हो अंकल जी, घर तक ही छोड़ा थे, इतना कष्ट क्यों किया? अरे नहीं हमारे लिए भगवान हो, कस्टमर हो तो हम जो है। अरे वाह ये बिना बात अंकल करेंगे करेंगे हम, धन्यवाद। अरे थोड़ी का कुछ वही दे देंगे भाई, ले जाओ भाई। हाँ चलो धन्यवाद। ठीक है चलो, हाँ जी चलो, कोई दिक्कत होता हो नहीं मैं आ जाऊँ, कोई दिक्कत होगी तो यही तो रहता हूँ। देखो यार पासवर्ड लगा दो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे भाई वाला है ना वो लोग देखते हैं उनको मेरे पासवर्ड की बहुत वो रहती है कि पासवर्ड क्या है। हो गया ये अपना डन हो गया, 8100 किलोमीटर चल चुके, 8100 8100 ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे 8100। ठीक है मेरे को गाने चेंज करने हैं, पहले से ही रुका था मैं, क्या कहेंगे आज एक दिन मिले राइड कर लेते थोड़ी बहुत, अभी 4:30 हो रहे हैं। निकल जाऊंगा क्या, सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये लो इसके लिए लाइक कर दो वीडियो। तो यार मत कर रहा मस्ती कर देगा मैं, क्योंकि बहुत दिन से ना भड़ास बड़ी पड़ी है कि व्लॉग बनाना है व्लॉग बनाना है, तो अब जाके मैं व्लॉग बना रहा हूँ भाई, कसम से जाके बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि बोलता जाऊँ पूरे 10-15-12 मिनट की वीडियो जितनी देर की बनती है बनाता जाऊँ। तो ठीक है पेट्रोल ना मैंने सैटरडे को डलवाया था, तो कल सैटरडे है तो 2 सेल्स अभी भी है। देखा इतने प्यार से चलाओगे, प्यार से इज्जत से चलाओगे तो कोई दिक्कत है, राइड भी कराया इससे मैं, रोज़ अप डाउन भी होता है मेरा, 5-7 किलोमीटर चलाता हूँ, 10 भी चला लेता हूँ, या तो ज़्यादा भी चल जाता हूँ कोई पता नहीं है जिनसे, पर एक हफ्ता मेरा पेट्रोल पहली बार चला, ये बत्ती दोबारा हो जाएगी देख लेना। क्या बोला था मैंने कि बत्ती दोबारा हो जाएगी। मैं नहीं नहीं यार न्यूट्रल करके यहाँ क्यों खड़ा हो रहा हूँ, वो भाई रुक जाओ कोई शर्म यहाँ कर लो भाई, कमाल है यार तुम्हारी तो, ठीक है चाहते हो तुम जैबरा करो, यही रुका मैं और कहीं जाऊँगा। शुक्रिया जी शुक्रिया, चले मैं सोच रहा था सीधा जाऊँगा, अभी मेरा मन सीधा ही कर रहा है तो जहाँ मन करे वहाँ चलो। तो गाइस फाइनली यार, तो मैं ना नीचे बैठा था एडिटिंग कर रहे, तो दोनों बैठे भाई मैं तो हंसाए जा रहे हैं मुझे। अभी क्या है कि मुझसे ना उसे 1300 रुपये लिए, 1300 नहीं 1274 ठीक है 1274 मेरे को बोलना तो आ रहा था लेकिन अजीब सा लग रहा था बोलते हुए। ठीक है तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाकी पैसे आ जाएंगे, जब पैसे आ जाएंगे मैं बता दूंगा कितने हैं, और कह रहे हैं 1000 रुपये फाइल चार्ज कटेगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता कितने वापस आने वाले, जब भी होगा आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि कितने पैसे आ गए। और उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था कि यार अब मेल डाल दी अभी और पैसे जब आएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे दोबारा फ़ोन कर लेंगे, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। और ठीक है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो, और लाइक कर देना वीडियो को, ऊपर से मैं लाइक कर दूँगी जैसे लाइक 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 बोले जा रहा हूँ सुबह से, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और मिलते किसी ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर बाय बाय, जय हिंद।